नदी के ऊपर बना हुआ यह ब्रिज है, काफी खूबसूरत है। और ये रहा कोसी नदी, कोसी नदी को देखें, ये देखें कोसी नदी को। हालांकि आपको कोसी नदी दिखाई दूर से दिखाई दे रहा होगा, और सामने जो ये बना हुआ है ब्रिज बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी तरफ दूसरी लेन है, ये पहली लेन है, और बीच में बाइक, इधर भी बाइक के लिए है, पैदल के लिए है। काफी खूबसूरत बनाया गया है कोसी लेन को। रात के समय में इस पे चलने में और ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि दोनों तरफ से लाइट जल रही होती है। अभी तक हमने दो बार टोल टैक्स भर चुका है, एक बार 120 रुपए का और दूसरी बार 90 रुपए का। आ गए हैं अब नॉर्मल लैंड पे। ये देखिए इधर का माहौल, सरायगढ़ पहुंचने वाले हैं, 9 किलोमीटर है यहाँ से सरायगढ़। रायगढ़ की दूरी अभी 9 किलोमीटर की बची हुई है। ये लीजिए हम आ गए हैं नेपाल के बॉर्डर वाले रास्ते पे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस सड़क से ना तस्करियां बहुत होती है, मतलब कि दारू शराब का जो नेपाल, अभी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में ये सब बंद है, दारू शराब ये सब बंद है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेपाल बॉर्डर का रास्ता, तो इस रास्ते पे हमें पुलिस वालों से ज़्यादा मुलाकात होने वाली है, फोर्सेस से ज़्यादा मुलाकात होने वाली है, क्योंकि इसी रास्ते के माध्यम से ज़्यादातर नेपाल और बिहार के बीच में ये जो वाइन का सप्लाई है ये सब किया जाता है। इस रास्ते में कई सारी गाड़ियाँ लगाई जाती है, और नेपाल से, नेपाल के बहुत ही नज़दीक है ये, इसलिए वहाँ से चीज़ें ला के लोड किया जाता है और फिर बिहार में सप्लाई किया जाता है। यही वो सड़क है जहाँ पे तस्करी किया जाता है। दूर दूर तक आपने तालाब देखा होगा, ये देखिए ये जितने भी तालाबे हैं इन सब में क्या हो रहा है, तो मखाने की खेती हो रही है। मखान हम सभी जो खाते हैं वो व्हाइट कलर का होता है, तो मखाने की खेती हो रही है इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों पे ना मखाने की खेती बहुत ही धड़ल्ले से हो रही है। दोनों तरफ आप देखिए, दोनों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मखाने की खेती दिखेगी। ये जितने भी तालाब है सब में मखान उगाया जाता है। यहाँ के किसान जितने भी हैं उन्हें मैंने मोस्टली देखा है, या तो मक्के की खेती मैंने देखा है, पीली मक्के जो होते हैं उनकी खेती, या फिर मखाने की खेती दबा के करते हैं ये लोग। बीच में आप देख रहे होंगे कि नाव चल रही है, नाव से ये लोग मखाना निकालते हैं। मखाना का खेती करने से फ़ायदा ये है कि मखाना बहुत ही महंगा बिकता है, 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो मखाने की खेती से फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसमें मछली पालन भी होता है, मछली पालन के अलावा मक्के की खेती भी की जाती है। इधर ज़्यादातर लोग किसान जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान ही हैं। ये देखिए गौर से देखिए, ये सब जितने भी हैं वो मखाने की खेती हो रही है, सब मखाने का पेड़ लगा हुआ है। और मखान की जो खेती होती है वो गंदे पानी में होती है, तालाब में होती है, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मखाने की खेती आप नदी में भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पानी रुका हुआ है, जो पानी ख़राब हो जाता है या कहिए सड़ जाता है, इसमें हम मखाने की खेती बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। और मछली भी इधर बहुत ज़्यादा हो है, मतलब कि लोगों को मैंने देखा है कि नाव से जाल लगा के मछली वगैरह पालन करते हैं, और जगह जगह पे पानी रुकी हुई है, पानी रुका होने के कारण ना इधर इन सब चीज़ों की खेती ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ मखाना 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 ही दिखाई देगा। वृहद पैमाने पर इधर मखाने की खेती होती है बहुत ही ज़्यादा। हम लोग लगभग नेपाल बॉर्डर पहुँचने ही वाले हैं, अब बहुत नज़दीक है नेपाल बॉर्डर के, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है हमारे पास से अभी नेपाल बॉर्डर की। दूसरी बात, इधर लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा, किसी के ऊपर मास्क नहीं है, लोग मास्क पहन नहीं रखे हैं।
बिल्कुल उल्लंघन है गवर्नमेंट के रूल का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या नया मिलता है। यहाँ पे तो फिलहाल मुझे दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ मखाना मखाना और मखाना ही दिखाई दे रहा है। मखाने के अलावा यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मक्का दिखाई देगा, या तो मखाना या फिर मक्का। इसके अलावा और किसी चीज़ की खेती मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ये जितनी भी खेती आपको दिखाई दे रही है सब मक्के की खेती है, सब मक्का का खेत है। और दूसरी तरफ अगर इधर देखिए तो इधर मखाना है। आगे अब देखते हैं कहीं कुछ और चीज़ की खेती मिल जाए। ये देखिए, ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, दूर आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, नेपाल से पानी आता है। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो वो पानी कहाँ से आती है, तो वही जो कोसी बांध है जहाँ से नेपाल पानी छोड़ता है, तो हमारे नदियों में पानी अचानक से बहुत तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाता है, कई गांव तह जाते हैं। यही है वो नदी जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। ये देखिए गौर से, लॉकडाउन होने की वजह से और मैं अपना सेफ्टी को लेके मैं नीचे उतर के नहीं दिखा सकता आप लोगों को, लेकिन उधर से लौटते समय मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाया जाए। यहाँ चारों तरफ नदी नदी हैं, उस पर नाव लगी हुई है ताकि वो लोग अंदर जाके मछली लाएं या फिर जो मखाने की खेती है वो कर सकें। विश्वकर्मा चौक है जहाँ पे अभी हम हैं, विश्वकर्मा चौक है। ये देखिए नेपाल बॉर्डर के आसपास का जगह, ये देखिए पावर हाउस, यहाँ से बिजली सप्लाई होता है, कटैया पावर हाउस। और ये रही टूटी फूटी सड़क, ये रहा पानी को बैलेंस करने वाला, इसी से पानी बैलेंस होता है और फिर बिजली तैयार होती है और आसपास के जगहों में। और ये रहा मुर्गा वाला आदमी, देखिए कैसे मुर्गा लेके जा रहा था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास, नेपाल बॉर्डर के नजदीक है बिल्कुल। ये देखिए बिजली के सप्लाई करने के लिए कटैया पावर हाउस। मौसम तो अच्छा है इधर का, पता चला है कि इधर ऐसा ही मौसम रहता है हमेशा, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, मौसम मेंटेन।